Hello student, last lecture we are already complete start the new unit design of steel structure and some content are already completed just like type of bolt, type of joint and failure mode of bolt. Now the next point is details of bolt. So first one is pitch distance. Pitch distance is a distance between the center of any two adjacent hole in the direction of load and stresses. Minimum pitch distance is 2.5 diameter, 2.5 D, where D is a nominal diameter of bolt, and maximum pitch distance is 32 time of thickness or 300 mm, whichever is less, where T is thickness of a thinner plate. Next term is a gauge distance. It is a distance between adjacent parallel to the line of faster and perpendicular to the direction of a load. Next term is edge distance. The distance from the center of faster hole to the nearest edge of element measured perpendicular to the direction of load. Okay, and next last term is end distance. End distance of the center of faster hole to the edge of the element measured parallel to the direction of load. This figure show that the details of bolt. So first term is a, अब हम ये डायग्राम में देखने वाले हैं कि पिच डिटेल्स ऑफ बोल्ट क्या है. जैसे कि पहली टर्म थी पिच डिस्टेंस. पिच डिस्टेंस मीन्स इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ एनी टू एडजेसेंट होल इन द डायरेक्शन ऑफ लोड. अब देखिए यहाँ पे पिच डिस्टेंस प्रोवाइड किया है सेंटर टू सेंटर ऑफ एनी टू एडजेसेंट होल एंड पैरेलल टू द लोड. पी के पैरेलल में है, इसे हम कहेंगे पिच डिस्टेंस. नेक्स्ट टर्म क्या थी, गेज डिस्टेंस. इट इज़ अ डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट पैरेलल लाइन ऑफ फास्टर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ लोड एंड स्ट्रेसेस. ये क्या है, गेज डिस्टेंस में एडजेसेंट पैरेलल लाइन टू द फास्टर एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ लोड. मतलब लोड के परपेंडिकुलर में है और क्या है, एडजेसेंट पैरेलल फास्टर लाइन. ठीक है, उसे हम कहेंगे गेज डिस्टेंस. एज डिस्टेंस मीन्स क्या है, द एज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द फास्टर होल टू द नियरेस्ट एज ऑफ एन एलिमेंट मेजर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ अ लोड. अब परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ लोड कहाँ पे है, यहाँ पे है, जो एज फास्टर के नियर में है और परपेंडिकुलर टू द लोड, इसे हम कहेंगे गेज डिस्टेंस. एंड एज डिस्टेंस किसे कहते हैं, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ फास्टर होल टू द एज ऑफ एन एलिमेंट मेजर पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ लोड. जो लोड के पैरेलल में है और मेजर कहाँ से करेंगे, एज ऑफ अ डिस्टेंस, उसे हम कहेंगे एंड डिस्टेंस. ओके, तो ये टर्म तो समझ गए. नेक्स्ट वन इज अ स्पेसिफिकेशन ऑफ बोल्ट. द स्पेसिफिकेशन ऑफ बोल्ट कहाँ से लेते हैं, एज पर IS 800. ठीक है, वहाँ से हमने स्पेसिफिकेशन ऑफ बोल्ट लिए है, जहाँ पे नॉमिनल डायमीटर ऑफ बोल्ट के साइज़ कितनी चाहिए, डायमीटर ऑफ होल कितनी चाहिए, इन mm में कितनी चाहिए, मिनिमम एज डिस्टेंस इन mm कितना चाहिए, मैक्सिमम एंड मिनिमम पिच डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करना है, पार्ट ऑफ टेंशन क्या है, पार्ट ऑफ कॉम्प्रेशन कितना चाहिए, ट्रैकिंग फास्टर कितनी चाहिए, ये सब हमने लिया है स्पेसिफिकेशन ऑफ बोल्ट फ्रॉम IS code 800. ओके, सो अब हमने स्पेसिफिकेशन ऑफ बोल्ट देख लिए है, टाइप ऑफ जॉइंट देख लिए हैं, डिटेल ऑफ बोल्ट देख लिए है. अब हमें क्या देखना है कि हमें जो फेलीवर ऑफ बोल्ट है, जैसे कि शेयर फेलीवर, टेंशन फेलीवर एंड बेरिंग फेलीवर, तो हमें उसे एनालाइज कैसे करना है और डिज़ाइन कैसे करना है फॉर द स्टील कनेक्शन. सो डिज़ाइन ऑफ स्ट्रेंथ बोल्ट कहाँ मीन्स, जैसे हमें नॉमिनल शेयर स्ट्रेंथ निकालनी है ऑफ अ बोल्ट, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या दिया हुआ है, VNSB = FUB/√3 इन ब्रैकेट N/N (AN)B + NS (AS)B. अब यहाँ पे UNSB मीन्स क्या है, शेयरिंग कैपेसिटी ऑफ बोल्ट. FUB यानी क्या है, अल्टीमेट टेंशन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट. ठीक है, और NN मीन्स क्या है,
एन एन मीन्स नंबर ऑफ शेयर प्लेट विथ थ्रेड्स, जहाँ पे हम प्रोवाइड करने हैं प्लेट्स कनेक्ट करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ बोर्ड, तो वहाँ पे नंबर ऑफ शेयर प्लेट कितने हैं वो, ठीक है. ए एन बी मीन्स नेट शेयर नेट स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रेस एरिया ऑफ अ बोर्ड. एन एस मीन्स नंबर ऑफ शेयर प्लेट विदाउट थ्रेड. और ए एस बी मीन्स क्या है, नॉमिनल एरिया ऑफ अ श्रंक. ऑलरेडी यहाँ पे जो फार्मूला है उसके डिटेलिंग्स दिए हुए हैं, जो हमें फार्मूला यूज़ करना है टू कैलकुलेट द शेयरिंग स्ट्रेंथ कैपेसिटी ऑफ अ बोर्ड, ठीक है. फिर आता है टेंशन कैपेसिटी ऑफ बोर्ड. जैसे कि हमने देखे थे कि थ्री टाइप ऑफ फेलियर ऑफ मोड है, तो हमने शेयर का तो देख लिया, अब हम देखने वाले हैं टेंसाइल कैपेसिटी ऑफ अ बोर्ड. तो टेंसाइल कैपेसिटी ऑफ बोर्ड निकालते टाइम हमें क्या ज़रूरत है, सो यहाँ फॉर्मूला ऑलरेडी गिवन है, टी बी इज इक्वल्स टू 0.9 मल्टीप्लाई बाय एफ यू बी मल्टीप्लाई बाय ए एन बी इन थ्रेडेड जोन. और बोल्ट के लिए फॉर द, देखिए नीचे में दिया है फॉर बोल्ट टू बी सेफ इन टेंशन, तो हम टेंशन फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे फॉर द बोल्ट. टी बी इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू टी एन बी अपॉन म्यू एम बी. सो यहाँ पे फॉर्मूला ऑलरेडी दिया हुआ है 0.9 मल्टीप्लाई बाय एफ यू बी मल्टीप्लाई बाय बी इंटू ए एन बी अपॉन गैमा एम बी, ठीक है. और यहाँ पे उनके टर्म्स दिए, एफ यू बी क्या है, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट. एफ यू बी एफ आई बी यील्डिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट. ए एन बी दिया है नेट टेंसाइल स्ट्रेस एरिया ऑफ बोल्ट. ए एस बी दिया है श्रंक एरिया ऑफ बोल्ट. गामा एम बी दिया हुआ है पार्शियल डिफरेंशियल, सॉरी पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर बोल्ट मटेरियल, कितना लेना है 1.25 ऑलवेज, ओके. एंड गामा एम जीरो कितना दिया हुआ है, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर द बोल्ट मटेरियल गवर्न बाय यील्ड, कितना लेना है 1.1, ओके. तो हमने तो यहाँ पे दो टाइप ऑफ फेलियर ऑफ मोड की स्ट्रेंथ देख ली है कि कैसे कैलकुलेट करना है. फिर हमें देखना है बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ बोल्ट. तो बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ बोल्ट निकालने के लिए फॉर्मूला दिया हुआ है, नीचे में ऑलरेडी फॉर्मूला दिया हुआ है कि वी डी वी पी वी पी डी इज इक्वल्स टू वी एन पी बी अपॉन गामा एम बी. और वी एन पी बी कैसे निकालना है, 2.5 के बी इंटू डी इंटू टी इंटू एफ यू. अब यहाँ पे के बी कैसे निकालने हैं उसके लिए अलग फॉर्मूला दिया है, ठीक है. और इनमें से जो सबसे कम रहेगा वो हम लेने वाले हैं, ठीक है. अब यहाँ पे डी दिया हुआ है, टी दिया और एफ यू दिया है. अब ये क्या है, इसका नॉमिनेशन भी ऑलरेडी यहाँ पे दिया है, जैसे कि डी एन ए नॉमिनल डायमीटर ऑफ बोल्ट. डी ज़ीरो मीन्स यहाँ पे यूज़ किया है डी ज़ीरो डायमीटर ऑफ होल. पी दिया हुआ है जो हमने देखे थे अभी, पिच डिस्टेंस एज डिस्टेंस, ठीक है. पिच डिस्टेंस ऑफ बोल्ट. ई ए मीन्स एज डिस्टेंस ऑफ बोल्ट. एफ यू बी मीन्स अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट. एफ यू मीन्स अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट. फिर टी दिया हुआ है टोटल थिकनेस ऑफ कनेक्टेड प्लेट सब्जेक्टेड टू बेयरिंग स्ट्रेसेस, ठीक है. यहाँ पे ऑलरेडी हमने तीनों भी इसके लिए फॉर्मूले देख लिए हैं कि जब हमें शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट निकालना है, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट निकालना है या बेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट निकालना है, तो उन्होंने ऑलरेडी हमें प्रॉब्लम फॉर्मूले दिए हुए हैं. तो हमें प्रॉब्लम में यही फॉर्मूले पुट करने हैं और वैल्यू निकालनी है, ठीक है. उसके बाद लास्ट टर्म आती है इफ़िशेंसी ऑफ बोल्ट. तो इफ़िशेंसी ऑफ बोल्ट क्या किसे कहते हैं, इट इज़ द रेशियो ऑफ एक्चुअल स्ट्रेंथ ऑफ कनेक्शन टू द ग्रॉस स्ट्रेंथ ऑफ कनेक्टेड मटेरियल, ओके. मतलब इफिशियंसी मीन्स क्या है, जो एक्चुअल स्ट्रेंथ है, मिनिमम एक्चुअल स्ट्रेंथ अपॉन ग्रॉस स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट. और इसे एक्सप्रेस करते हैं परसेंटेज में, ठीक है. तो उसी तरह हमें अगर सॉलिड प्लेट की स्ट्रेंथ निकालनी है तो उसके लिए फॉर्मूला उन्होंने दिया है 0.9 मल्टीप्लाई बाय एफ यू मल्टीप्लाई बाय क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ प्लेट.